यामाहा ने 4400 नंबर पर मोटो बूट नामी रोबोट मुतारिफ कराया जो मोटरसाइकिल चलाने की सलाहियत रखता है। टोक्यो मोटर शो न सिर्फ एक बाकायदा स्टॉक मोटरसाइकिल को हैंडल करने के काबिल है बल्कि एक ताकतवर मॉडल। 2015 यामाहा 1M लीडर क्लास स्पोर्ट्स बाइक। रोबोट तमाम इस्तेमाल करता है, जरूरी मोटरसाइकिल कंट्रोल करता है और तेज कर सकता है, ब्रेक लगा सकता है, गियर शिफ्ट कर सकता है और मोड़ बना सकता है। इब्तदाई मोटो बूट का वर्जन 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक पहुंच जाता है। कंपनी मजीद आगे बढ़ने की मंसूबाबंदी कर रही है। इजाफी ढांचे के बगैर 200 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा रफ्तार हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट तैयार करें। यामाहा एक ऐसा रोबोट बनाने पर काम कर रही है जो स्टॉक मोटरसाइकिलों को संभालने के काबिल हो। कई सालों के लिए ट्रैक, जबकि मोटो बूट के बारे में तफसीलात बहुत कम है, इसमें मोटरसाइकिल सवारी का जिक्र है। तेज रफ्तारी के लिए मुतअद्दिद पेचीदा और दुरुस्त निजामों के मरबूत ऑपरेशन की जरूरत होती है। कंपनी की तहकीक का मकसद इंसानी सवारों को रोबोट से तब्दील करना नहीं बल्कि एक तैयार करना है। सवारों के लिए इमदादी निजाम, जैसा कि आम ड्राइवर इमदादी निजाम को जदीद में जम किया गया है। ऑटोमोबाइल ताहम रोबोटिक्स में पेशरफ्त पर गौर करते हुए कंपनी बनाने पर गौर कर सकती है। मुस्तकबिल करीब में लोगों की नकलो हमल के लिए एक वर्सिटाइल ह्यूमना रोबोट। यहाँ एक खातून रोबोट है जो टोक्यो के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में आने वालों का इस्तकबाल कर रही है। इंसानों की खिदमत करने वाला रोबोट कई सालों से मौजूद है और ये इंसान नुमा रोबोट आइको के नाम से तोशिबा की तरफ से तैयार किया गया है। मैं मित्सुकोशी डिपार्टमेंट स्टोर में मुलाजिम है। टोक्यो आइको एक इंसान से बहुत करीब से मशाबहत रखता है जिसमें 43 हरकत करने वाले मैकेनिज्म उसे अपनी आंखों को घुमाने की इजाजत देते हैं। सर और बाजू ताहम वो नहीं चलती और सिर्फ एक स्टेशनरी इंफॉर्मेशन डेस्क के तौर पर काम करती है। रोबोट इंसानी जबान को पहचान सकता है और अंग्रेजी और जापानी दोनों जबानों में सवालात के जवाब दे सकता है। डिपार्टमेंट स्टोर की इंतजामिया का ख्याल है कि ख्वातीन रोबोट अपनी तरफ मुतवज्जे करने का एक मुअस्सर जरिया है। ग्राहकों आइको रिवायती मुतहरिक जापानी कैमोनों में मलबूस है और पहली नजर में इसे एक आम औरत से मुमताज करना मुश्किल है। आइको ने गहरे बालों को सफाई के साथ तरतीब दिया है। हल्के टोन सिलिकॉन जल, वो पलक झपक सकती है, आंखें भींच सकती है, अपने होंठों को हरकत दे सकती है और जब अपना मुंह खोल सकती है बोलना बुनियादी तौर पर इंसानी जज्बात की तकरीबन पूरी रेंज को जाहिर करता है। उसे देखकर यह जानना वाकई मुश्किल है कि आया वो रोबोट है या जिंदा इंसान। सबके बाद ये इंसानी शक्ल वाला रोबोट हमारे जैसा ही नजर आता है। इंटरनेशनल के दौरान आरिसा ह्यूमना रोबोट रिसेप्शन सेट का मुजाहिरा किया गया। रोबोट नुमाइश 2017। आरिसा 6 फुट लंबा आउमनाड है जो टच स्क्रीन मॉनिटर के साथ आता है, जो सयाहों को हिदायत और मालूमात फराहम करेगा, सेल्फी के लिए पोज देगा और उनके लिए रक्स भी करेगा। वो अंग्रेजी, जापानी, चीनी और कोरियन बोल सकते हैं। आरिसा का बुनियादी मकसद सबवे स्टेशनों में काम करना था, मुसाफिरों को रेस्ट रूम्स और लॉकर्स की समत दिखाते हुए अवामी नकलो हमल का मशवरा देते हैं, रास्ते और इलाके में सयाहों के लिए पुरकशिश मकामात की सिफारिश करते हैं। मस्नूई जहानत का निजाम कर सकता है, मुसाफिरों के सवालात को समझी, मुंतकली के बारे में, स्टेशन की तफसीलात के बारे में पूछे जाने पर। इहाते में आरिसा रोबोट के पीछे डिस्प्ले के जरिए आवाज और बसरी तौर पर जवाब दे सकती। आरिसा के पास है एक तफरीही खसूसियत जो चहचहाने और रक्स का जवाब देती है। डेवलपर कंपनी के मुताबिक अर्विस गेमिंग टेक्नोलॉजीज तरक्की एक कैसीनो डीलर रोबोट बनाने के ख्याल से शुरू हुई, लिहाजा ये ऐसी खसूसियात से लैस है जो सारिफीन को घर पर महसूस करते हैं। ताहम तफरीही तकरीब मुआविन है और आरिसा का बुनियादी काम मुंतकली की मालूमात फराहम करना है। स्टेशनों पर स्टोर्स और खसूसी पेशकशों और शॉपिंग सेंटर्स और दीगर मालूमात के बारे में डायलॉग और टच स्क्रीन डिस्प्ले के जरिए मौजदू ने बातचीत के लिए एक अजीब और गरीब सर तैयार किया है। चीट GPT CES 2024 नुमाइश में उन्होंने भी हेड नामी ईजाद की नकाब कुशाई की जिसके लिए डिजाइन किया गया था। मस्नूई जहानत के चीट बूट चीट GPT के साथ मुआसलत नया आला रोबोटिक सर से मिलता जलता है। एक स्टैंड पर एक से ज्यादा ओवरलैपिंग स्क्रीनों से लैस एक एनिमेटेड इमेज को दिखाती है इंसानी चेहरा। अपनी वेबसाइट पर वी हेड डेवलपर ने डिवाइस को बड़े के मुजस्म के तौर पर बयान किया है। जबान के मॉडल जो दिमागी तूफान, फैसला साजी और खुद अक्कासी में मदद करते हैं, तजवीज करते हैं, बातचीत के साथी के तौर पर उसका इस्तेमाल। CES 2024 नुमाइश से पहले हम सरबराही के नुमाइंदों ने एक मुजाहिरा
सार्फिन को आला से इस तरह बात करने का मशवरा दे रहा है जैसे ये उनका दोस्त हो। डिवाइस जीपीटी का इस्तेमाल करते हुए सारिफ के सवालात और रिमार्क्स के जवाब तैयार किए, जो कि एक बड़ी जबान का मॉडल है। ये 3D चीप बूट के साथ बातचीत के लिए कम्युनिकेशन हेड पहले ही एक मुतासिर कुन पर खरीदारी के लिए दस्तियाब है। 4950। ताहम सहाफियों ने नोट किया कि यह बिल्कुल सही तरीके से काम नहीं करता है। बाज औकात खतूत होते हैं, चेहरे की तस्वीर के अलावा स्क्रीन पर अचानक जाहिर हो गया। क्रोबोमनी एक छोटा साथी रोबोट है जिसे जापानी इंजीनियर्स ने बनाया है। ये रोबोट एक छोटा सा है, असल क्रोबो का वर्जन, जिसे बैन अलक्वामी खलाई स्टेशन पर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्रोबोमनी को इंसानी तआमुल के लिए डिजाइन किया गया है, जो मस्नूई जहानत से लैस है और काबिल है आवाज और जज्बात को पहचानना। उसका मकसद लोगों के साथी के तौर पर खिदमत करना है। तरक्की याफ्ता टोयोटा की तरफ से ये रोबोट रोबोटिक्स में तहकीकी सम्पों में से एक की नुमाइंदगी करता है, जिसका मकसद तख्लीक करना है। रोजमर्रा की जिंदगी में इंसानी रोबोट के तामुल के लिए टेक्नोलॉजीज। तकरीबन 10 पर खड़ा है, 3 सेंटीमीटर लंबा, की रोबोमनी को कम्पैक्ट और पोर्टेबल फॉर्मेट में डिजाइन किया गया है, सहूलत को यकीनी बनाते हुए सार्फिन के लिए जब चलते फिरते हैं। अगरचे पेचीदा कामों का इरादा नहीं है, कि रोबोमनी तरक्की का मुजाहरा करती है। रोबोटिक्स में ज्यादा इंटरेक्टिव और जज्बाती तौर पर जवाबदेह रोबोटिक बनाने के मकसद के साथ लोगों के लिए साथी। ये प्रोजेक्ट रोबोट्स को इंजमाम के लिए मौजूदा कोशिशों की अक्कासी करता है। रोजमर्रा की जिंदगी इंसानों और टेक्नोलॉजी के दरमियान करीबी ताल्लुक को फरोग देती है। T8X एक मकड़ी वाला रोबोट है जिसे कंपनी ने बनाया है। T8X मॉडल इसके लिए जाना जाता है। जिंदगी भर की हरकत और तफसीली डिजाइन, असली मकड़ोहे की एनाटॉमी और रवैये से मशाबहत। इसमें आला मेयार की इंजीनियरिंग की खसूसियात हैं और अक्सर तालीमी मकासद, तहकीक और तफरी। रोबोट को स्मार्टफोन या टैबलेट से वाईफाई के जरिए कंट्रोल किया जाता है, जिसका कोई ऑप्शन नहीं है। जिस्मानी रोबोटिक्स कंट्रोलर इस्तेमाल करें। रोबोट का डिजाइन हर टांग के एन मुताबिक कंट्रोल की इजाजत देता है। तहरीकों की एक वसी रेंज फराहम करना और इसे तजर्बा करने के लिए एक वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म बनाना। रोबोटिक्स और प्रोग्रामिंग। रोबोट में 26 सरमोडरस और एक बिगफुट रोबोटिक्स इंजन है। मिसाल के तौर पर अब रोबोट को एक मखसूस रफ्तार और बिगफुट के साथ आगे बढ़ने का हुक्म दे सकते हैं। उल्टा हरकियात, टांगों की रफ्तार की मनसूबाबंदी, टांग गेट जैसे कामों को खुद मुख्तार तौर पर अंजाम देगा। कोऑर्डिनेशन और मोटर कंट्रोल। एक एंड्रॉयड मॉनिक रोबोट है जिसे जापान में बनाया गया और उसकी नकाब कुशाई की गई क्योटो में कदाइजी मंदिर में। इसकी जाहरी शक्ल बोधिसत्वा की जदीद तशरी की नुमाइंदगी करती है। कैनन बुद्ध मत में एक देवता। मस्नूई जहानत के साथ मेंदर बातचीत में मशगूल हो सकता है। मंदिर के जायरीन के साथ रूहानी और फलसफियाना मौजूद पर मेंदर का मकसद है रिवायती मजहबी मिलावट के जरिए रूहानी मश्क के लिए एक असरी नुकता नजर मुतारिफ करवाएं। जदीद रोबोटिक्स वाले अनासिर। एक रोबोट जो 195 सेंटीमीटर लंबा और 60 वजनी है। प्रोग्राम में एक सिलिकॉन चेहरा, कंधे और बाजू शामिल हैं जो इंसानी जल्द से मशाबहत रखते हैं, हालांकि ये मवाद इसके धाती जिस्म के दूसरे हिस्सों पर लागू नहीं होता है। इसके चेहरे के नर्म तासुरात हैं। इसके मुंह के कोनों को फैलाते हुए मुस्कुराहट के साथ रोबोट अपने हाथ उठा और नीचे कर सकता है, अपना सर हिलाएं और तकरीरें करें। इसकी तख्लीक एक तहकीकी मंसूबे का हिस्सा थी। जदीद मुआशरे में टेक्नोलॉजी और मजहब के दरमियान तामुल। रोबोटिक्स में गहरी दिलचस्पी रखने वाली ऑटोमोटिव कंपनी पियाजो ने एक छोटे कार्गो रोबोट की नकाब कुशाई की है, अपने मालिक की पैरवी करने के काबिल। कंपनी ने अपना दूसरा कार्गो रोबोट जारी करने का ऐलान किया, का नाम दिया गया जो $1,850 में खरीदारी के लिए दस्तियाब है। पियाजो की गीता मैनी में दो बड़े फीचर्स हैं, पहिए, एक वसी स्टोरेज टोकरी जिसे बंद किया जा सकता है और कंप्यूटर विजन सिस्टम की इजाजत देता है। रोबोट अपने मालिक की शनाख्त के लिए। ये रोबोट 9 किलोग्राम तक का बोझ उठा सकता है जिसका वजन 12.7 है किलोग्राम खुद और रिचार्ज किए बगैर 34 किलोमीटर का फासला तय कर सकता है। अलबत्ता गीता मैनी रोबोट की अहम खसूसियत इसकी खुद मुख्तारी है, इसे बरा रास्त कंट्रोल की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर विजन का इस्तेमाल करते हुए रोबोट खुद मुख्तार तौर पर अपने मालिक की पैरवी करता है, रुकावटों पर काबू पाता है। इसके दो बड़े पहिए, मुतअद्दिद सेंसर और कैमरे के साथ रोबोट भी लैस आता है। रेडार सामान के कंपार्टमेंट लॉक के अलावा कोई एंटी चोरी सिस्टम फराहम नहीं किया गया है। सिर्फ खराबी सीढ़ियां हैं। गीता मैनी उनको नेविगेट करने से कासिर है,
मालिक को उसे दस्ती तौर पर ले जाने की जरूरत है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया कमेंट्स में लिखें। हमें उम्मीद है कि आपको मिल जाएगा इस वीडियो में कुछ नया और दिलचस्प। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मून भाई टीवी को सब्सक्राइब करें। हमारी पिछली वीडियोस भी देखें। खुदा हाफिज़।